सो एवरीवन दिस इज मेघा शर्मा वेलकम टू ओमेगा टेक इट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएम एल्गोरिदम। मेनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैव हिडन वेरिएबल्स व्हिच आर नॉट ऑब्जर्वेबल इन द डेटा दैट आर अवेलेबल फॉर लर्निंग कई सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है यहां बोल सकते हैं कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं होता है तो ये जो हिडन वेरिएबल्स होते हैं ये जो हिडन डेटा होता है अनऑब्जर्व डेटा होता है उसी को हम लेटेंट वेरिएबल्स बोलते हैं द दल्गोरिदम इज कंसिडर्ड अ लेटेंट वेरिएबल मॉडल टू फाइंड द लोकल मैक्सिमम लाइवलीहुड पैरामीटर्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रपोज बाय ऑर्थर डेम्स्टर नैन लेअर्ट एंड डोनाल्ड रूबिन इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन तो ई एम एल्गोरिदम मीन्स एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम जो हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं इसका यूज़ हम लाइवलीहुड एस्टिमेट करने के लिए करते हैं मैक्सिमम लाइवलीहुड को एस्टिमेट करने के लिए हम इस एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो कई बार ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स होते हैं और कई बार यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं लेटेंट वेरिएबल का मतलब होता है अन डेटा ई एम एल्गोरिदम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स सच एज मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिदम बींग एन इटरेटिव अप्रोच इट कंसिस्ट ऑफ टू मोड्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ई एम एल्गोरिदम मीन्स इसमें टू मोड्स होते हैं फर्स्ट जो मोड होता है उसको हम एक्सपेक्टेशन या फिर एस्टिमेशन स्टेप बोलते हैं और इसे हम ई e स्टेप से डिनोट करते हैं इन द फर्स्ट मोड वी एस्टिमेट मिसिंग और लेटेंट वेरिएबल्स इट इज टू एज द एक्सपेक्टेशन एस्टिमेशन स्टेप द अदर मोड इज यूज टू ऑप्टिमाइज द पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल्स

जो पैरामीटर्स हैं, उनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे कि हम डेटा को मोर क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए तो ये टू स्टेप्स होते हैं टू मोड्स होते हैं एस्टिमेशन स्टेप्स एंड मैक्सिमाइजेशन स्टेप स्टेप्स इन ई एम एल्गोरिदम फर्स्ट स्टेप है इनिशलाइज पैरामीटर वैल्यूज सेकेंड स्टेप होता है ई e स्टेप जिसको हम एक्सपेक्टेशन स्टेप बोलते हैं इस स्टेप में हम मिसिंग और इनकम्लीट डेटा की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं गैस करते हैं यूजिंग डेटा। नेक्स्ट स्टेप स्टेप, स्टेप, होता है मैक्सिमाइजेशन जहाँ पे हम पैरामीटर वैल्यूज को अपडेट करते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं इस कन्वर्ज अगर ये yes है तो हम अपने प्रोसेस को स्टॉप करते हैं और अगर नो no है तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट होता है तो ये इटरेटिव प्रोसेस है तो ये साइकिल वैल्यूज कन्वर्जिंग है या नहीं अगर ये yes होता है अगर कन्वर्ज होते हैं तो प्रोसेस स्टॉप होता है और अगर ये कन्वर्ज नहीं होते हैं तो हम अपने प्रोसेस को रिपीट करते हैं जब तक कि ये कन्वर्ज नहीं होते हैं कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास हैं और उनके प्रोबेबिलिटी में बहुत ही कम डिफरेंस है तो हम उसको कन्वर्ज बोलेंगे मीन्स दो वेरिएबल्स की वैल्यू जब मैच होती है एक दूसरे से तो उसी को हम कन्वर्जेंस बोलते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई एम एल्गोरिदम ई एम एल्गोरिदम के कई सारे एडवांटेजेस हैं एप्लीकेशंस हैं जो सबसे प्राइमरी गोल है ई एम एल्गोरिदम का वो यही है कि इस एल्गोरिदम में हम अवेलेबल ऑब्जर्व डेटा का यूज़ करके मिसिंग डेटा को गैस करते हैं मिसिंग डेटा की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं और फिर उस डेटा का यूज़ हम पैरामीटर्स वैल्यू को अपडेट करने के लिए करते हैं पैरामीटर वैल्यूज़ को जो हम अपडेट करते हैं वो हम एम स्टेप में करते हैं मीन्स एम स्टेप में हम न्यू मीन और को कैलकुलेट करते हैं द ई एम एलगोरिदम इज एप्लीकेबल इन डेटा क्लस्टरिंग इन मशीन लर्निंग डेटा क्लस्टरिंग में इस एल्गोरिदम का यूज होता है इसके अलावा कंप्यूटर विज़न एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी हम इसका यूज करते हैं इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द मेडिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री सच एस इन इमेज रिकंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ई एम एल्गोरिदम के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं फर्स्ट लिमिटेशन है द कन्वर्जेंस ऑफ द ई एम एल्गोरिदम इज वेरी स्लो एंड इट कैन मेक कन्वर्जेंस फॉर द लोकल ऑप्टिमा ओनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें